हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे एक 175 रुपीस के शेयर के बारे में, जिसके अगर आप 100 शेयर्स बाय करते हो तो हो जाएंगे 1000 शेयर्स। कंपनी का सेक्टर अच्छा है, कंपनी जो काम करती है वो अच्छी है, हालांकि कंपनी छोटी है, बट ये कंपनी के न्यूज़ के कारण आने वाले दिनों में इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। आज भी शेयर 4% प्लस में क्लोज हुआ है, जबकि इसका अपर सर्किट लिमिट है 5%, तो आने वाले दिनों में हो सकता है ये शेयर आने नॉन स्टॉप अपर सर्किट में जाए। इस कंपनी को आप स्टडी करके इसमें बाइंग के बारे में सोच सकते हो। कंपनी बनाती है प्लास्टिक के टॉयज, स्कूल फर्नीचर एंड ऑटोमोबाइल के प्लास्टिक के और पॉलीमर के पार्ट्स, जैसे कि कूलर टैंक, वाटर टैंक, सीट के पार्ट्स प्लास्टिक के। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी कंपनी है, टॉयज भी बनाती है, स्कूल स्कूल के फर्नीचर भी बनाती है, तो कंपनी का सेक्टर अच्छा है। कंपनी ने रिसेंटली फंड रेजिंग भी किए हैं फॉर एक्सपांशन, तो ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक है। कंपनी का आज का रेट था 175 रुपीज एंड 52 वीक हाई था 185 रुपीज। पी है 140 का एंड ईपीएस है 1.60 का। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.90। प्रमोटर होल्डिंग है 50%, एफआईआई का होल्डिंग है 10% और डीआईआई का होल्डिंग है 0.02%। फ्रेंड्स, कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक आते हैं। सितंबर 22 में कंपनी को लॉस था 1.30 करोड़ रुपीज़ का, जून 23 में प्रॉफिट था 36 लाख का, और अभी सितंबर 23 में प्रॉफिट आया है 41 लाख का। तो कंपनी के प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, कंपनी के फंडामेंटल्स ओके है, बट कंपनी ने डिक्लेयर किया है स्प्लिट, 10 का फेस वैल्यू हो जाएगा 1 का, इसीलिए 100 शेयर्स हो जाएंगे 1000 शेयर्स। अगर आप इसको बाय करके रखते हो तो आने वाले दिनों में अच्छा फायदा हो सकता है। इस कंपनी को स्टडी करके आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। कंपनी का नाम है ओके प्ले इंडिया लिमिटेड, ओके प्ले इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है जिसने स्प्लिट डिक्लेयर किया है। हालांकि रिकॉर्ड डेट अभी आई नहीं है, कभी भी रिकॉर्ड डेट आ सकती है, उसके पहले आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।